हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही है भाई लोग, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर सुपरिटेंडेंट, बहुत बहुत सारी पोस्ट, 568 568 पोस्ट निकली हुई है। बी बी टेक हर ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है। डिटेल में इसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या है खास। बहुत 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 बड़ा नोटिफिकेशन है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी डिटेल में इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है। एग्जाम के सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज बताता हूँ, आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लगातार बना के देते रहने के लिए। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, 568 568 पोस्ट निकली हुई है। एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी के असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। डिग्री वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल वाले हो, सिविल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, कोई भी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट निकली हो सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकली हुई है, लेकिन मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल में कुल मिलाकर 30-30 पोस्ट निकली हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 10% पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व कर दी गई है सरकार के द्वारा, तो 3 पोस्ट यहाँ पे EWS वालों के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर सब देख सकते हैं कि EWS के लिए कितनी पोस्ट, SC ST वालों के लिए कितनी पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट 28 साल रखी गई है। ट्रेनिंग के दौरान 54,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा स्टार्टिंग, और इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद E2 में नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए पर मंथ मिल जाएगा, प्लस TA DA HRA जितनी भी फैसिलिटीज रहती है वो सब मिल जाएंगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MBA है, स्पेशलाइजेशन है पर्सनल मैनेजमेंट में, HR में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के अंदर पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट निकली हुई 28 साल इसमें भी एज लिमिट रखा गया है। 54,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग में मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए पर मंथ E2 ग्रेड में नौकरी लग जाएगी। इसमें PG है एग्रीकल्चर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PG थी एग्रीकल्चर में, बायोकेमिस्ट्री में, जूलॉजी में, तो अगर आपके पास यह चीज है आप देख सकते हैं अभी डिटेल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए स्क्रीन पर। अगर आपके पास ये है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है वेयर हाउसिंग में, कोल्ड चेन मैनेजमेंट में या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की कुल मिलाकर 18 पोस्ट है। E1 ग्रेड में नौकरी लगेगी, 40,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए के बीच में आपको मिलेगा। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। BE BTech सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में पोस्ट निकली हुई है, कुल मिलाकर 10 पोस्ट है। E1 ग्रेड में नौकरी लगेगी, 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ, 30 साल एज लिमिट रखी गई है। BE BTech इलेक्ट्रिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंटेंट की कुल मिलाकर 28 पोस्ट निकली हुई है। E1 ग्रेड में पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट रखी गई है, लेकिन ये एकमात्र पोस्ट है जहाँ पे तीन साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। BCom है, BA है, CA है या फिर और भी कुछ ब्रांचेस और भी कुछ कोर्स वाले एलिजिबल है, प्लस 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो आप स्क्रीन पर डिटेल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जनरल में 88 पोस्ट है। E1 ग्रेड के अंदर पोस्ट है, 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, 30 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। PG डिग्री है आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में, PG पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट की 155 पोस्ट निकली हुई है। S11 ग्रेड में नौकरी लगेगी, 28 साल एज लिमिट रखी गई है, 11,200 से लेकर 30,600 रुपए पर मंथ के बीच में आपको मिल जाएगा। डिग्री है आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी ब्रांच में, BE BTech है, आप तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की कुछ पोस्ट निकली हुई है, इसमें मास्टर्स चाहिए हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की कुल मिलाकर निकली हुई है 238 पोस्ट। S9 ग्रेड में नौकरी लगेगी, स्टार्टिंग 10,500 से लेकर 28,690 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। डिग्री है एग्रीकल्चर में या फिर डिग्री है जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर भी आप फाइनल ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 16/3/2019 तक आपकी डिग्री, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC वालों के लिए एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट इंजीनियर, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट वगैरह की जो पोस्ट है यहाँ पे रिटर्न होने वाला है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो जूनियर सुपरिटेंडेंट और जो दूसरी पोस्ट है इसमें सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम
ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपके स्टेट का कैपिटल तो आपका एग्जाम का सेंटर होएगा। इसके अलावा भी आपको और भी जगह एग्जाम के सेंटर मिल जाएंगे, जिसकी लिस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा हर एक चीज एग्जाम के बारे में, हर एक डिटेल्स हमें यहाँ पे बता दी गई हैं। अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की जो पोस्ट और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, इसमें रीजनिंग आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। डिसिप्लिन से रिलेटेड 65 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 क्वेश्चन में से भी। तो 200 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन डिसिप्लिन से रिलेटेड आएंगे और बाकी क्वेश्चन जो है वह आएंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा। और इसके अलावा अगर मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की एग्जाम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट मेंस होगा, जहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। तो यह भी डिटेल्स हमें दे दी गई है। इसके अलावा हमें सिलेबस भी दे दिया गया है, पूरा टेक्निकल सिलेबस जो भी है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है, जहाँ पे टेक्निकल सिलेबस आने वाला है, क्योंकि जूनियर सुपरिटेंडेंट जहाँ पे बीई बीटेक हर ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल नहीं आने वाला है, लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है वहाँ पे टेक्निकल आने वाला है। तो उसका सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में डिटेल में हमें दे दिया गया है। इसके अलावा भाई अगर हम कट ऑफ स्कोर के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए 1:5 रखा गया है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 जन को इनवाइट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू के लिए। और जूनियर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे 1:3 रेशियो रखा गया है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 जन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में इंटरव्यू तो नहीं होने वाला है, इंटरव्यू बस होने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट वगैरह की जो पोस्ट है उसके लिए बस इंटरव्यू होने वाला है। और जो मेरिट बनेगी वह जो रिटर्न होगा और जो इंटरव्यू होगा दोनों के बेसिस पर मेरिट बनेगी। अगर मैं एमटी या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की बात करूँ और जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिटर्न होगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जाम में जो मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पर यहाँ पे मेरिट बनने वाली, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो क्लियर हो जाएगा और जो मेरिट में आ जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है वह भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पे आप पोस्टिंग होने की संभावना है, हर एक डिटेल यहाँ पे हमें दे दी गई है इस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में। इसके अलावा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भाई लोग 15/2/2019 से और चलने वाला है 16/3/2019 तक। जो ऑनलाइन एग्जाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये टेंटेटिव है, अप्रैल में 2019 में होने की पूरी इसकी संभावना है। एग्जाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉर्म भरने की फीस 1,000 रुपये रखी गई है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। इसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए फॉर्म भरने की फीस 300 रुपये रखी गई है। फॉर्म अभी खुला नहीं है, जैसे ही खुल जाएगा तो मैं आपको एक बार और कम्युनिटी टैब में या फिर पोस्ट करके बता दूंगा। वैसे कि आप इंटरेस्टेड है कि आप ये फॉर्म भरने वाले हैं जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट में, और भरना तो चाहिए भाई, अगर मौका निकलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बस भाई लोग अगर पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त फैमिली के, सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।